हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। आज हम लोग जनरल में थर्ड टॉपिक को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन के नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इसका रूल क्या है पार्ट सेकंड में देखते हैं क्या है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिट। बिजनेस के एक्सपेंडिचर की बात करें, सैलरी पे की जाती है, वेजेस पे की जाती है, रेंट पे किया जाता है, ये क्या है बिजनेस के एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के केस में होगा क्या, इनका पेमेंट करना है, एक्सपेंडिचर इसे डेबिट में लिखेंगे। इस केस में होगा क्या, जो फर्म है ये पेमेंट किसी एम्प्लॉय को जरूर देगी, सैलरी या वेजेस है तो किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को। तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगी, गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल है, जो चीज बिजनेस से बाहर जाती है हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं। तो अगर मैं बोलूं सैलरी पेड, एंट्री क्या होगी, सैलरी डेबिट टू कैश। अगर मैं बोलूं वेजेस की एंट्री क्या होगी, वेजेस पेड की, तो वेजेस डेबिट टू कैश। अगर मैं बोलूं रेंट पेड की एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तीनों की एंट्री देख लेता हूं, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बी रेंट पे। ये टॉपिक हो गया एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर के सभी टॉपिक्स को मिक्स करना है, मतलब इसे कन्वर्ट करना है कंपाउंड एंट्री में, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो और से देखें, क्रेडिट में कैश सभी में है, डेबिट में हर जगह नाम अलग अलग है, तो डेबिट के सारे एक पास लिख लें, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश सभी में कॉमन था तो इसे एक बार लिख लिया, जो भी अमाउंट होगा ट्रिपल हो जाएगा। मैं बोलू रेंट हमारा 1000 है, 1000 तीनों को ऐड कर देंगे, कैश अमाउंट कितना आ जाएगा, यहां पर सभी में 1000। ये एक्सपेंडिचर की एंट्री है, अलग अलग अगर करेंगे तो ये होगी, अगर मिक्स कर देंगे कंपाउंड एंट्री लिखेंगे तो हमें ये मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं लॉस की कंडीशन में, ठीक है। लॉस बाय फायर, गुड्स destroyed 10,000 cash destroyed 1,000, ठीक है। लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर, आग लग गई, बोला था लॉस कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। फर्म में होगा क्या वो देखते हैं, फर्म में नुकसान हुआ और क्या क्या जल के चला गया, दो चीजें चली, एक तो गुड्स और एक कैश। दोनों चीजों को गौर से देखते हैं, जब हमने गुड्स को सेल आउट किया था, उस कंडीशन में हमारा गुड्स किसी एम्प्लॉई के, सॉरी किसी सेल्समैन, किसी परचेजर के पास पहुंच गया होगा, किसी अदर पर्सन के पास, मतलब वो चीज फर्म से बाहर चली गई थी। तो अगर ये प्रोडक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस कंडीशन में गुड्स हमारा हमारी फर्म से तो बाहर ही जा रहा है। सेम कंडीशन में कैश जो है जल के राह को भी, मतलब क्या है मेरे पास ही नहीं बची, मतलब मैंने फर्म से बाहर जा चुकी है, तो दोनों ही चीजें बिजनेस से बाहर जा रही है, मतलब इसे मैं कहां लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा। रीजन क्या है, हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, गोज आउट क्रेडिट। इसलिए क्या होगी पूरी वो देखते हैं, लॉस बाय
हायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। कैश कितना डिस्ट्रॉय हुआ 1000, गुड्स कितना डिस्ट्रॉय हुआ 10000, टोटल कितना लॉस हुआ डेबिट में लिख लें 11, बी लॉस बाय फायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अगर सेम कंडीशन में आग ना लगी होती, यहाँ पर चोरी की गई होती, थेफ्ट लिखा होता, तो चेंजेस क्या है, और यही सामान चोरी करके ले गए, इस कंडीशन में भी यही दो चीजें मार्केट से बाहर, अभी फर्म से बाहर जाती, हमें इन्हें ही क्रेडिट करना पड़ता, तो चेंजेस कहाँ पे होते हैं, जहां पर मैंने फायर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनकम साइड की ओर। इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट लिखे जाते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिए थे डिस्काउंट के, कमीशन के, रेंट। ठीक है, तो अगर मुझे ये सारी चीजें मिलती हैं देन क्या होता है वो देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, सभी में अमाउंट कितना है 1000 रुपीज मान लेता हूं। ठीक है, रिसीव हो रहा है कमीशन रेंट, मतलब ये जो तीन वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं ये क्या है आपके इनकम के पार्ट है, और इनकम कहां लिखी जाती है क्रेडिट में। इनकम के केस में होगा क्या, ये जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है 1000 रुपीज का तीनों में, ये फर्म में आएगा। ठीक है, कैश आएगी फर्म के अंदर। ठीक है, और रूल क्या कहता है कम्स इन डेबिट, जो चीज आती है बिजनेस के उसे हम कहां लेते हैं डेबिट में, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और इनकम हमेशा क्रेडिट लिखी जाती है, तो ये सारे अमाउंट, ये सारे वर्ड जो है क्रेडिट हो जाएंगे। फर्स्ट इसमें क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड कंपाउंड इंटरेस्ट अगर करनी है, अगर हम गौर से देखें डेबिट में हर जगह कैश है, कैश को एक बार लिख लिया, क्रेडिट सभी का अलग है, सभी को एक साथ लिख लिया, डिस्काउंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट टू एड करते हैं हम 1000 टोटल कितना डेबिट पोर्शन में 3000, यहाँ पे सभी में अमाउंट कितना है 3000। ये पार्ट हो गया आपका इनकम का। प्रॉफिट पर डिस्कशन करते हैं, इसी टॉपिक है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा बताने वाला नहीं है, केवल हमें इतना समझना है कि एक्सपेंडिचर और डेबिट में जाते हैं और इनकम प्रॉफिट क्रेडिट है। लिखता हूं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस बाय बायर ऑब्लिक थेफ्ट, दोनों को एक साथ दे रहा हूं, अगर चोरी होती है हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम हो, क्या चोर से पैसा मिल जाए उस कंडीशन में इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन फायर की कंडीशन में इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम ऑब्लिक में जो है रिसीव बाय
टर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। अगर फायर से इंश्योरेंस क्लेम करता है उस कंडीशन में, नुकसान मेरा हुआ था फायर की वजह से, तो मुझे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पैसा भी क्यों देगी, उसी चोरी उसी आग लगने की वजह से मुझे पैसा भी दिया जा रहा है, ठीक है। अगर ये आग ना लगती होती तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट नहीं करती, ठीक है। तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसी आग लगने की वजह से ही हो रहा है, लॉस पहले हो चुका है उसके बाद इसी लॉस से कुछ रिकवरी हो रही है, वही स्पेशल पार्ट जो है प्रॉफिट का पार्ट होगा। रीजन मान लेते हैं पहले मेरा 11,000 रुपए का लॉस हुआ था प्रीवियस इंट्री में, मैं बोलो मुझे 5,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिला, मैं बोल रहा हूँ मुझे 6,000 रुपए का केवल लॉस हुआ, ऑलरेडी मुझे इससे लेस करता हूँ तो मुझे ये 5,000 रुपए क्यों मिले, आग लगी थी इस वजह से मुझे, प्रॉफिट का पार्ट मेरा कहाँ से होगा, लॉस बाई फायर की वजह से। इस कंडीशन में हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दिया, ये फर्म है, ये इंश्योरेंस कंपनी मान लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कैश दिया, रिसीवर मैं हूँ, अपना नाम नहीं लिख सकता, मेरे पास आया क्या है कैश, कम्स इन डेबिट, जो चीजें आती हैं फर्म के अंदर उन्हें हम डेबिट में लिखते हैं। अगर पीएल अकाउंट के रूल में या पर्सनल अकाउंट के रूल में कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस ईयर जरूर देखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।